गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं श्वेता श्रीवास्तव आपकी आर्ट टीचर। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको कलर करना बताया था, प्लेन कलर्स आप लोग ने भर लिया होगा। अब आज मैं आपको आउटलाइन करना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम लोग आउटलाइन करने के लिए ब्लैक कलर लेते हैं, जैसा कि ये प्लेट में लिया हुआ है, और 00 के ब्रश से आउटलाइन करनी है। कोई भी बच्चा स्केच पेन से आउटलाइन नहीं करेगा, कलर और ब्रश से ही आउटलाइन करनी है। मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि पानी का कम से कम इस्तेमाल करना है। देखिए बच्चों, कैसे करनी है आउटलाइन। ये है 00 का ब्रश, एकदम धीरे धीरे और आराम से आउटलाइन करनी है, साफ सुथरे ढंग से। अगर जरा सी भी आप लोगों ने जल्दीबाजी की तो रंग फैल सकता है और सारी ड्राइंग आपकी बिगड़ सकती है। इस तरह ब्लैक कलर से हमें सारे फूल, पत्तियां, कली को आउटलाइन करना है। मैं यहाँ करके आपको दिखाती जा रही हूँ और ठीक उसी तरह आप अपनी कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करिए। ये देखिए बच्चों, फूल हो गया है। अब इसी तरह हम लोग पत्तियों को भी आउटलाइन कर लेंगे। ये देखिए बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी तरह अब हम लोग टहनियों को करेंगे।
बच्चों ये देखिए ब्लैक आउटलाइन हो गई है। अब इसके बाद हम लोग जहां जहां हाईलाइट की जरूरत होगी वहां पर व्हाइट आउटलाइन करेंगे। देखिए मैं बता रही हूँ कैसे करना आपको। व्हाइट लगाने से डिजाइन की सुंदरता और बढ़ जाती है। इसी तरह फूल में भी ये देखिए बच्चों व्हाइट ये लग चुका है। इसी के साथ आप लोग का कवर पेज कंप्लीट हो गया। अब आपको अपना नाम लिखना है। नाम आप किसी भी कलर से लिख सकते हैं, प्लेन ब्लैक से भी लिख सकते हैं या रेड ग्रीन ब्लू जिससे आपका मन करे, लेकिन ब्रश से ही लिखना है, स्केच पेन कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं आगे का पाठ पढ़ाऊंगी आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।